हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं कढ़ाई चिकन। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है, बिना किसी झंझट के फटाफट से बन जाने वाला हमारा कढ़ाई चिकन। ये देखिए बिल्कुल रेडी है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना है। बड़े बच्चों सभी को बहुत पसंद आएगा। आप चाहे रोटी से खाएं, चाहे चावल से खाएं, चाहे आप ऐसे ही खा सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए चाहिए हमें लोहे की कढ़ाई। जी हाँ, आज हम लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे। और ये कुछ खड़े मसाले हैं, धनिया, लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लाल वाली जो मिर्ची होती है। तीखी हो तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ये थोड़ी फीकी हो तो थोड़ी ज़्यादा ले सकते हैं। दालचीनी वगैरह ये सब हम इसमें खुशबू आने तक भून लेंगे। इसको देखिए साइड में करके हमने इसमें तेल डाल करके गर्म कर लिया है। ये देखिए तेल अच्छे से हमारा गर्म हो जाए। ये सरसों का तेल है, मैं सरसों के तेल में ही ज़्यादातर खाना बनाती हूँ। और ये मुर्गा और मीट तो ज़्यादातर सरसों के तेल में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। ये देखिए 3 से 4 चम्मच लिया था बस मैंने। और इसमें हम सारा अपना चिकन डाल देंगे। और इसमें ये देखिए कलर एकदम चेंज हो गया है डालते ही, इसे चलाते रहेंगे। ये देखिए बीच में हम टमाटर डाल देंगे। जी हाँ, इसी में हम टमाटर डालेंगे। ये देखिए छोटे छोटे से कट लगा देंगे इसमें। इसमें कट लगाने से छिलका आसानी से उतर जाएगा। इसी में हम ढकते हुए टमाटर को हम गला देंगे। इसके छिलके उतर जाने तक हम इसको हल्का हल्का गलाएंगे। 2 से 3 मिनट मैंने बस ढका है इसको। ये देखिए देख लेते हैं, हम चेक कर लेते हैं कि इसका छिलका थोड़ा सा उतरने लायक हो गया कि नहीं। इसे देखिए चाकू की सहायता से देखें, नहीं तो हाथ जल सकता है। ये देखिए अभी थोड़ा मोटा मोटा उतर रहा है, तो इसका मतलब अभी ये हुआ नहीं है, नहीं तो छिलका एकदम पतला उतरता है। ये देखिए इसको हम फिर से ढक देंगे। अब हम इसको 5 से 7 मिनट ढक देंगे। ये देखिए पतला सा एकदम उतर रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया है। सारे हमने छिलके देखिए हटा दिए हैं और इसमें इसको अब हम गलने तक टमाटर को तब पकाएंगे। ये देखिए कलर भी थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा है हमारे इसका चिकन का। ये देखिए इसको हम ढक ढक करके ही पकाएंगे, 3 से 5 मिनट तक चेक करते रहेंगे, जिससे ये जले नहीं और गल भी जाएगा इसी में। ये देखिए फिर से हम चेक कर लेते हैं टमाटर हमें गले हैं कि नहीं। इसको हमें चलाते भी रहना है जिससे कि ये भुन भी जाए। देखिए हल्के हल्के एकदम गल गए हैं। इसे चलाना भी, इसे कलर देखिए कितना ब्राउन होने लगा है। देखिए हमारे चिकन का ये देखिए कलर चेंज हो गया है। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी पुरानी वीडियो को भी वीडियो का ऑप्शन क्लिक कर करके सारी मेरी पुरानी वीडियो देखें। 1 टेबल स्पून हम इसमें हल्दी डाल लेंगे। और अब हम इसमें थोड़ी सी मिर्चें डाल लेंगे। मिर्चें अपने हिसाब से डालिएगा, क्योंकि हमने लाल वाली मिर्चें भी इसी में डाली हुई हैं। अब हम इसमें धनिया डाल देंगे। धनिया 2 चम्मच डालना है, उससे थोड़ी ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी। चुटकी भर इसमें गरम मसाला डालना है बस खुशबू के लिए, बाकी हमारे इसमें भुने हुए मसाले हैं ही हैं। और नमक डालिएगा स्वाद के अनुसार। अब हम इसमें कुटा मसाला डालेंगे। मेरी पिछली काफ़ी सारी वीडियो में मैंने कुटा मसाला बनाया है। कुछ खड़े मसालों को भून करके मैं ये कूट करके रख लेती हूँ पहले से भी। आप भी ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो आप हैंड टू हैंड भी सारे खड़े मसालों को भून करके कूट करके रख सकते हैं। ये हमने करीबन 1/2 टीस्पून लिया है कुटा मसाला, और बहुत ही ज़्यादा इसमें टेस्ट को बढ़ा देगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी फ्लेवर होता है इसका। ये हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट ले लिया है 2 चम्मच। ये देखिए अब हम इसको इस तरह से चलाते रहेंगे, तो इसका कलर देखिएगा एकदम चेंज हो जाएगा। ये देखिए टमाटर हमारे अभी थोड़ी देर में गल जाएंगे। अब इसमें नमक डल गया है और फटाफट से हमारे टमाटर देखिए गल जाएंगे। मिक्सी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी में देखिए कितनी अच्छी ग्रेवी अभी हमारी बन करके तैयार हो जाएगी। ये देखिए इसको हम करीबन ढक ढक करके 3 से 5 मिनट के अंतराल पर इसको ढकते जाएंगे और इनको चलाते जाएंगे। नीचे जलने नहीं चाहिए, क्योंकि हमने इसमें अभी देखिए पानी नहीं दिया है, तो इसको 3 से 5 मिनट के अंतराल पर ही ढकेंगे और चलाते रहेंगे। ये देखिए कलर आप देखते जाएंगे, आप पहले कैसा कलर था और अब कैसा हो गया है, चेंज होता रहेगा लगातार। टमाटर देखिए हमारे काफ़ी हद तक गल गए हैं। और ये देखिए हमने एकदम अच्छे से इसको मैश कर दिया है टमाटर को हमने इसी में। इसी से देखिए ग्रेवी कितनी अच्छी बनेगी हमारी अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे आगे। ये देखिए इसको इस तरह से आप करछुल लेकर के इस तरह से कट कर दीजिएगा, अपने आप फटाफट से मैश हो जाएंगे। इसको चलाते रहेंगे, भूनते रहेंगे। हमारा मसाला देखिए भुनने लगा है। अब हम इसमें 2 चम्मच दही डाल लेंगे। ये मेरा हैंग कर्ड है, नहीं तो आप सिंपल कर्ड भी डाल सकते हैं। और इसको लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो दही फट जाएगा। हाथ आपको रोकना नहीं है, बस चलाते रहना है। और ये देखिए एकदम लिपटी हुई ग्रेवी देखिए इससे एकदम पीसेस से एकदम लिपट गई है, और कितनी ज़्यादा टेस्टी और यम्मी लग रही है। ये देखिए फिर से हम थोड़ी देर ढक देंगे। और देखिए फिर से हमने 5 मिनट बाद ढक के खोल के निकाला है। ये देखिए
कलर देखिए आप चेंज होता जा रहा है, और ये देखिए जितना ज़्यादा भुनता रहेगा उतना ज़्यादा टेस्ट इसका बढ़ता ही जाएगा। इसे फ्रेंड्स आप लोग एक बार ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेगी और बच्चों को पसंद आएगी, बच्चे तो बार बार बनवाएंगे। हल्का सा हम चाकू की सहायता से देख लेते हैं गला है कि नहीं गला है, थोड़ा सा अभी इसमें रह गया है कसर। अब हमने प्याज और शिमला मिर्च हमने इस तरह काट के रखे हुए थे, देखिए इस तरह से स्क्वायर शेप में, और आप भी इस तरह से काट के रख लें पहले से, ये देखिए। और इसमें हल्का हल्का सा, बस इसको ज़्यादा पकाना नहीं होता है, इसका फ्लेवर तभी आएगा जब शिमला मिर्च का थोड़ा सा क्रंच रहेगी इसमें, ये देखिए। इसको केवल 5 मिनट करीबन ढक कर आप पकाएंगे तो उसमें प्याज और जो शिमला मिर्च है उसमें हल्का सा भाप से ये थोड़ी थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी बस। अब हम इसको ढक देते हैं 5 से 7 मिनट के लिए बस, ये देखिए अब 5 से 7 मिनट हो गए हैं। इसको खोल करके चेक कर लेते हैं हम, ये देखिए वाओ कितनी अच्छी हमारी, देखिए चिकन जो हमारा कढ़ाई चिकन जो बन करके तैयार हुआ है, एकदम अभी आपको एकदम टेस्टी लग रहा होगा, मुंह में पानी आ रहा होगा। इसी तरह से आप पीसेज इनको उठा करके खा सकते हैं, ये अभी भी बन करके एकदम तैयार है। ये देखिए मैंने लेकिन इसके साथ में ढाका चिकन बनाया हुआ है, जिसकी रेसिपी आप मेरी पुरानी वीडियो में आप देख सकते हैं। ढाका चिकन रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, आप उसको प्लीज़ देखिएगा। इसको मुझे इसलिए रोटी से खाना है क्योंकि उसके साथ सूखा वाला चिकन हो चुका है ढाका चिकन, और नहीं तो आप इस तरह से जो मेरा सूखा ये अभी बनाया था जो हमने कढ़ाई चिकन एकदम तैयार था, आप उसको ऐसे ही खा सकते हैं। मुझे ये रोटी से खाना है इसलिए मैंने इसमें एक छोटा कप पानी डाल दिया है, और बस ये करीबन पानी पानी बस हमें पकाना है क्योंकि हमारे पीसेज एकदम गल चुके हैं। ये देखिए पानी अच्छे से खोल आ गया है और अच्छे से ये पक गया है। हरी मिर्चें हमने लंबी लंबी काट के इसमें डाल दी हैं खुशबू के लिए, ये देखिए एकदम अंदर तक देखिए एकदम गल गया है हमारा पीस, और इसको थोड़ी देर और ढक देंगे। ये देखिए हमारा एकदम तैयार है ये बिल्कुल, इसमें देखिए कितने अच्छे बबल आ रहे हैं। थोड़ी सी हम कसूरी मेथी इसमें डाल देंगे खुशबू के लिए, सब्जी की जान कसूरी मेथी, ये तो आपको पता ही है कि मैं हर सब्जी में कसूरी मेथी डालती हूँ और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, उससे तो खुशबू एकदम इतनी तेज़ हो जाती है कि पूरी सब्जी में महकी महक हो जाती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। ये देखिए कढ़ाई चिकन हमारा बन करके तैयार है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन गया है दोस्तों। तो अब इसको हम सर्व कर लेते हैं, ये देखिए वाओ इसका कलर देखिए आप, टेक्सचर देखिए, और पूरे पीसेज एकदम गले हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।